मतलब पूरा करियर खत्म हो गया, इतने सालों से मेहनत की थी यार, सब बेकार कर दी एक सेकंड में यार। ऐसे कैसे काम करेंगे यूट्यूब पर यार, कोई मदद नहीं कर रहा यार। प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज यार। आज अगर मैं खुश हूं तो सिर्फ आप सभी भाइयों की वजह से। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने अभी मतलब कितना बुरा लगता है ऐसी वीडियोस देखकर, मतलब एक बार तो रूह कांप जाती है। आपके साथ ऐसा होता होगा कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर मेरे साथ भाई, मुझे इस भाई के वीडियो को देखकर काफी टेंशन हुआ। और लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप लोगों को मैंने दोनों वीडियोज दिखाई है, तो जो प्रॉब्लम थी यानी कि वो चैनल जो डिलीट हुआ था यूट्यूब से, और उस चैनल को यूट्यूब ने इनको रिटर्न दे दिया है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, और यहाँ पर जो चैनल है वो क्यों सस्पेंड किया था यूट्यूब से, क्यों टर्मिनेट कर दिया था वो भी मैं बताऊंगा। साथ में यहां पर कौन कौन सी जो गलतियां होती हैं जो कि इन भाई ने की थी और जो कि कई यूट्यूबर भी करते हैं, तो उन्हीं गलतियों के बारे में भी बताने वाला हूं, और कैसे मतलब इनका चैनल है जो कि बचा था, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफी मतलब नॉलेजेबल होने वाली, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्या हुई थी कि इनका जो चैनल था वो कि 3.3 मिलियन का है, और इनके चैनल का नाम है बेस्ट हेल्प इन हिंदी। तो इस चैनल को यूट्यूब ने क्या है टर्मिनेट कर दिया था कुछ दिनों पहले, जो कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो उसके रीजन मतलब यूट्यूब ने कोई भी नहीं दिया था, यानी कि अगर पता चल जाए रीजन तो भाई कि मतलब किस वजह से हुआ तो मतलब YouTube बता दे, तो उससे क्या है लोगों को टेंशन नहीं होगी कि भाई मेरा चैनल किस वजह से डिलीट हुआ। तो यहां पर जब इनके चैनल को सस्पेंड हुआ था तो चैनल की लिंक पर लिखा आ रहा था कि दिस चैनल इज सस्पेंडेड, यानी कि इस चैनल को मतलब डिलीट कर दिया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया है जो कि YouTube के प्लेटफॉर्म से। तो उसके बाद में फिर से यहां पर मैं रीजन की बात करूं तो रीजन तो YouTube को जो कि बताया गया था कि YouTube ने, तो उस पर जो लिखा आ रहा था उस हिसाब से, तो जो कि YouTube ने बताया कि यहाँ पर जो YouTube की पॉलिसी होती है उसके तहत, यानी कि सेक्सुअली और न्यूडिटी की टाइप की इन्होंने क्या है वीडियोस बनाई थी ऐसा कुछ, और उस वो क्या है वॉयलेट करती है, और इस वजह से इनकी चैनल को डिलीट कर दिया गया था। लेकिन भाई की तरफ से यहाँ पर बताया गया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, और ऐसा करता तो मैं मतलब वो बता देते, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया था और यूट्यूब तो यही बता रहा था। लेकिन यहाँ पर बात अब किसकी सही मानी जाए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर YouTube की तरफ से ना तो कोई मेल दिया गया, जो कि मतलब कितना बुरा लगता है, ये चीज मैं आपको बता ही रहा था कि ना तो कोई मेल आया, ना कोई अलर्ट आया, ना कोई नोटिफिकेशन दिया गया कि यहाँ पर आपके चैनल को डिलीट भी कर दिया जा रहा है ऐसा कुछ। सीधा ही चैनल को डिलीट यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। अब यहां पर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स कितना बुरा लगता है, क्योंकि जो कि इन भाई का जो यूट्यूब चैनल था इसके द्वारा उनका घर चल रहा था, उनका घर परिवार मतलब उसी की वजह से, यूट्यूब के चैनल की वजह से ही चल रहा था, इनकी जॉब भी एक तरह से यही थी, और जो कि इस पर ही सारा कुछ डिपेंड था। जो कि भाई ने इस चैनल को चैनल से महीने में कम से कम है ना, अगर मैं बात करूं तो 5 लाख यानी कि 5 लाख से प्लस ऊपर तक की अर्निंग कर चुके थे, और ऐसा चैनल अगर चला जाता है तो कितना बुरा लगता है, क्योंकि सारा कुछ यहाँ पर डिपेंड उस यूट्यूब चैनल पर ही था। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो कि गलती की अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर गलती जो कि इन भाइयों ने जो कि क्या की थी और क्या रीजन रहे थे तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो भाई ने क्या है इतनी मेहनत करके कम से कम 3-4 साल में तो मतलब इस चैनल को मतलब टाइम दिया था, उसके बाद में जो कि 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर इनके हो चुके थे। और यहाँ पर मैं बात करूँ गलती कहाँ हुई थी, तो भाई ने मतलब कभी क्या है फेस कैम की वीडियोज नहीं बनाई थी। तो फेस कैम की वीडियो से अब आप यहाँ पर ये सोचोगे कि यार फेस कैम वीडियो बनाऊंगा तभी मेरे यूट्यूब चैनल मतलब जो कि चलेगा यानी कि मोनेटाइज होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, चैनल तो मोनेटाइज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो फ्रेंड्स फेस कैम बनाना जरूरी था, जो कि इन भाई ने नहीं बनाया। अब नहीं बनाया तो यहाँ पर तो जो कि ये क्या है मतलब अपने चैनल पर एप्लीकेशन का रिव्यू वगैरह करते थे या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और मतलब वीडियोज को जो कि बनाते थे, ठीक है वही एप्लीकेशन का, ठीक है। तो भाई ने क्या अपने चैनल को कभी अहमियत नहीं दी, और चाहे वो मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ तो फेस वैल्यू की, तो फ्रेंड्स फेस वैल्यू काफी जरूरी होता है यूट्यूब पर अब के हिसाब से, क्योंकि अगर आप मतलब यूट्यूब पर फेस वैल्यू को मतलब अहमियत नहीं देते, और जो कि क्या क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आप फेस वैल्यू नहीं मतलब अहमियत दोगे तो यहाँ पर यूट्यूबरों को मतलब यूट्यूबर का जो कि आपके व्यूअर्स है उनको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कौन बंदा है जो कि इन वीडियोज को बना रहा है। और यहाँ पर
में बात करूं तो यहाँ पर फेम मतलब आप चाहते हो यूट्यूब पर, तो फ्रेंड्स आपको फेस कैम जरूर करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसी टाइप की वीडियोस बना दो जो कि मोबाइल की स्क्रीन के रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन की, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन थे और कौन ऐसी वीडियोस बना देते हो। इनको कोई नहीं जानता था, जो कि अब इनको लोग जानने लगे हैं क्योंकि फेस कैम बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया जब इनके साथ में ऐसा हुआ। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको मतलब फेस कैम जरूरी है, और यहाँ पर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइबर और व्यूअर्स तो बढ़ाने ही आपको, लेकिन फेस की वैल्यू भी आपको बहुत मतलब जरूरी होता है बढ़ाना, क्योंकि लोग आपको जानने लगेंगे, और लोग जानने लगेंगे तो फ्रेंड्स आपकी जो कि फेस वैल्यू है वो काफी बढ़ जाएगी। अगर आपके साथ ऐसा गलती से कभी बाद में होता है, यानी कि आपका चैनल कभी किसी के साथ में ऐसा होता है यानी कि और चैनल टर्मिनेट हो जाता है, तो फ्रेंड्स आपकी फेस वैल्यू अगर अच्छी हो जाती है तो आपको लोग पहचानेंगे। और अगर आपका ऐसा हुआ, जो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो कि हिंदुस्तानी भाऊ था उनका चैनल डिलीट हो गया था, उसके बाद में उन्होंने क्या एक महीने पहले यहां पर चैनल बनाया और उनके 4 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो इस तरह से मतलब यहां पर मतलब क्या नुकसान है, फेस कैम मतलब बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई लड़की हो या कोई लेडीज है जो कि शर्माती हैं, उनको शर्म लगती है तो ऐसा कुछ, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जरूरी है, पर आपकी मर्जी है, आप नहीं बनाना चाहो तो बात अलग है, लेकिन ये जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो फिर उन्होंने क्या किया, तो फ्रेंड्स यहां पर चैनल को रिटर्न लाने के लिए ट्विटर पर मतलब यूट्यूब इंडिया को टैग करके मतलब इन्होंने क्या रीट्वीट किए थे कई सारे, और जो कि मतलब कई यूट्यूबरों ने इनकी हेल्प भी की थी, और यहां पर कम से कम जो रीट्वीट हुए थे वो 2000 से 3000 के लगभग हुए थे, और 16 दिन हो चुके थे इस चैनल को। फिर उसके बाद में यूट्यूब ने इनका जो चैनल है वो रिटर्न दे दिया है, क्योंकि यहां पर अब उनसे पूछा गया यूट्यूब से कि ऐसा क्यों किया, तब जाके मतलब यूट्यूब को कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इनका चैनल इनको रिटर्न दे दिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और अच्छा लग रहा है, मुझे भी खुशी हुई है, जो कि कई यूट्यूबरों को भी अच्छा लगा कि यहां पर जो यूट्यूब चैनल है वो रिटर्न आ गया, क्योंकि 3.3 मिलियन बहुत मतलब संख्या होती है एक तरह से, आप लोग सभी समझ ही रहे होंगे सब्सक्राइबर के बारे में, तो उतने ही मतलब कैसे कैसे, तो भाई ने मतलब जो कि मेहनत करके इतने सब्सक्राइबर गेन किए थे और वो एकदम चला जाता है, तो फ्रेंड्स काफी बुरा लगता है। और खासकर उनकी जो अर्निंग मैंने आपको बताया था कि उन्हीं से उनका घर चलता था, सारा कुछ होता था, तो फ्रेंड्स ऐसा किसी के साथ ना हो, तो वो चीजें आपको मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू, और आप लोग समझ ही गए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना, फेसबुक व्हाट्सएप पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।